हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के जितने एग्जाम हैं, जिसमें राजस्थान जीके आएगी, उनमें ट्रिकें आपके बहुत काम आएगी। जैसे पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, जितने भी राजस्थान के हैं, उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, राजस्थान के वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि इस शुष्क वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, मिश्रित वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो उनके बारे में। राजस्थान में दोस्तों वनों के भौगोलिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो शुष्क वन हो गया दोस्तों, शुष्क वन के बाद में होगा मरुस्थलीय वन, फिर हो जाएगा दोस्तों जो शुष्क मरुस्थलीय वन है वो, और फिर अर्ध शुष्क सदाबहार वन। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से वृक्ष आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है शुष्क सागवान के वन, इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं उसकी ट्रिक है शुष्क साग, इससे याद हो जाएगा शुष्क सागवान से। शुष्क साग बांस मारे पल में, तो शुष्क साग क्या करता है? बांस मारता है पल में, तो इसकी ट्रिक हो गई ये दोस्तों। इसको शुष्क साग से याद रखना दोस्तों, शुष्क सागवान के वन, शुष्क साग से याद रखोगे शुष्क सागवान वन। ओके दोस्तों, शुष्क सागवान के वन। साग से हो जाएगा दोस्तों, जो सागवान से स्टार्ट होते हैं, साग से स्टार्ट होते हैं, जैसे सागवान हो गया, सा से सालर हो गया, सा से साल हो गया, तो ये तीनों हो जाएंगे साग से दोस्तों। बांस से हो जाएगा दोस्तों, जो बांस से, बांस वो भी इसी में आता है, शुष्क सागवान के वनों में भी बांस आता है, तो बांस से याद रखेगी बांस से हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक बांस वाला जिला कौन सा है? बांसे बांसवाड़ा। तो ये हो गया दोस्तों शुष्क सागवान के वन। और मार से हो जाएगा दोस्तों महुआ। मार से क्या हो जाएगा दोस्तों? महुआ। ये आदिवासियों का काला सोना भी कहलाता है दोस्तों, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि आदिवासियों का काला सोना किसे कहते हैं, तो वो है महुआ। पल से दोस्तों याद हो जाएगा, पल से आपको याद होगा कि पलाश, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। तो ये हो गए दोस्तों जो शुष्क सागवान के वन हैं उनको याद करने की ट्रिक, शुष्क साग बांस मारे पल में, तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है जो मिश्रित वन है हमारे, मिश्रित पतझड़ वन, इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो मिश्रित पतझड़ के वन हैं उनमें दोस्तों हो जाएंगी कि आँखें धो गुस्सा पी मीठा है, आँखें धो गुस्सा पी मीठा है, तो आसे दोस्तों, आसे हो जाएगी दोस्तों जो आँख है वो हो जाएगी आँख। कैसे हो जाएगी दोस्तों? जो खेर खेर है वो हो जाएगा खेर। कैसे? कैसे हो जाएगा खेर। धो से हो जाएगा दोस्तों धोकड़ा, धो से हो जाएगा धोकड़ा। गुस्से हो जाएगा दोस्तों गुलर, गुस्से गुलर। और सा से दोस्तों हो जाएगा साल, सा से क्या हो गया? साल। और पी से हो जाएगा दोस्तों पी, पी से हो जाएगा पीपल। और मी से हो जाएगा दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन। तो दोस्तों इनको याद करने की ये ट्रिक है, इनको ज़रूर देख लेना दोस्तों। इसको 10 से 12 बार रिपीट करोगे तो आपको ये कंटेस्ट याद हो जाएगी, जिससे आपको पूछेंगे कि मिश्रित पतझड़ के वन कौन कौन से हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तीसरा है हमारे पास, तीसरा है जो अर्ध उष्ण सदाबहार के वन है वो कौन कौन से हैं। तो अर्ध उष्ण सदाबहार के वन है दोस्तों, इसकी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि गुलाब आजा अर्ध बारी आशा की है, यानी आधी बार आशा की है, तो गुलाब आजा अर्ध बारी आशा की है, तो इसकी ट्रिक गुल से हो जाएगा दोस्तों गुलाब, गुलर, सॉरी दोस्तों गुलर, गुल से हो जाएगा गुलर। ठीक है दोस्तों, बह से हो जाएगा दोस्तों बहेड़ा, बह से क्या हो जाएगा? बहेड़ा। आ से हो जाएगा दोस्तों आम, जा से हो जाएगा दोस्तों जामुन। और अर्ध से याद रखना कि अर्ध उष्ण सदाबहार वन इसी नाम से पड़ा है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, तो इससे हो जाएगा। बांस से हो जाएगा दोस्तों, जो बांस है वो भी इसी में पड़ते हैं, इसमें भी आते हैं, अर्ध उष्ण सदाबहार वन में भी आते हैं और शुष्क सागवान के वनों में भी ये आते हैं। बांस से हो जाएगा दोस्तों बांस। और री से हो जाएगा दोस्तों रीठा। फिर आगा आ से हो जाएगा दोस्तों आंवला, आ से क्या हो गया? आंवला। सा से हो जाएगा फिर दोस्तों साल, साल इसमें भी है, तीनों में पड़ता है। कौन कौन से? शुष्क सागवान के वनों में, मिश्रित पतझड़ में और अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ये सभी इसमें पड़ते हैं। सा से हो जाएगा दोस्तों साल। आंवला से याद रख लेना कि आंवला
आसे आंवला भी याद रखना, और ये आसे याद रख लेना कि आबू पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सब अर्ध उष्ण सदाबहार के वन कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे जो शुष्क मरुस्थलीय वन है उसमें, पहले दोस्तों कल हम जो घासें हैं, जो मरुस्थल में घासें पाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले दिन हम जो पेड़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ज़रूर याद रखना दोस्तों, पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। तो आप ज़रूर देखें उन वीडियो को, हंसते रहे मुस्कुराते रहे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। रुकना नहीं है, कोरोना की वजह से भी नहीं रुकना है, हमें तो पढ़ना है। तो दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा, और आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।